नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्विक सपोर्ट में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईसीयू क्या होता है। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आईसीयू में ऐसे मरीजों को रखा जाता है जिन्हें कोई गंभीर मेडिकल परेशानी होती है, उन्हें विशेष प्रकार की सेवा दी जाती है। इसे इंटेंसिव केयर यानी गहन देखभाल कहा जाता है। अस्पताल के जिस वार्ड में ये सेवा दी जाती है उसे इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू यानी गहन देखभाल इकाई कहा जाता है। इस प्रकार आईसीयू अस्पताल के ऐसे विशेषज्ञ वार्ड होते हैं जिनमें बहुत अधिक बीमार लोगों के लिए उपचार और निगरानी प्रदान करने का कार्य किया जाता है। दोस्तों, इन वार्ड में विशेष रूप से प्रशिक्षित हेल्थ केयर पेशेवरों को नियुक्त किया जाता है जो मरीजों की देखभाल का काम करते हैं। यहाँ पर विशेष निगरानी उपकरण भी होते हैं। आईसीयू को कभी कभी गंभीर देखभाल इकाई सीसीयू या गहन चिकित्सा इकाई आईटीयू भी कहा जाता है। और हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि आईसीयू क्या होता है, आईसीयू के अंदर कौन से उपकरण होते हैं, आईसीयू में मरीजों को क्यों और कैसे रखा जाता है। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि आईसीयू में क्या सावधानियां रखी जाती हैं और आईसीयू में रखने का खर्च कितना होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि आईसीयू क्या होता है। गहन देखभाल का तात्पर्य उन रोगियों को दिए गए विशेष उपचार से है जो गंभीर रूप से अस्वस्थ होते हैं और उन्हें 24 घंटे कड़ी देखभाल की आवश्यकता होती है। जब तक आप किसी आपातकालीन सेवा के लिए भर्ती नहीं किए जाते हैं तब तक आपको आईसीयू में भर्ती होने के लिए अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ द्वारा रेफर करने की आवश्यकता होगी। कई अलग अलग प्रकार के रोगियों को आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। कुछ रोगी सीधे आपातकालीन विभाग से आते हैं तो कुछ अस्पताल के भीतर अन्य वार्ड से उनकी बीमारी में जटिलताओं के कारण आते हैं। आईसीयू में वैसे तो कई प्रकार के मरीज होते हैं लेकिन उन सभी को एक ही चीज की आवश्यकता होती है, निरंतर अवलोकन और विशेष देखभाल की। दोस्तों, आईसीयू में उन लोगों की देखभाल की जाती है जिनका जीवन गंभीर बीमारी या दुर्घटना में चोट के कारण खतरे में होता है, जहां उन्हें हर पल निगरानी और जीवन सहायता उपकरण पर रखा जाता है। ये अस्पताल के अन्य वार्डों से अलग स्थिति होती है। जैसे कि पहला, आईसीयू में विशेषज्ञों की एक उच्च प्रशिक्षण प्राप्त टीम द्वारा 24 घंटे देखभाल प्रदान की जाती है। दूसरा, यहाँ पर बहुत कम बिस्तर होते हैं जिनमें बहुत से उपकरण गंभीर रूप से बीमार मरीजों की निगरानी और देखभाल करते हैं। तीसरा, बहुत कम लोगों को मरीज से मिलने की अनुमति होती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं आईसीयू के साधन के बारे में। जब आप पहली बार आईसीयू में अपने किसी सगे संबंधी से मिलने जाते हैं तो उन चीजों में से एक जो आपको चिंतित कर सकती है वो आपके परिवार के सदस्य से जुड़े उपकरण और मशीनों की संख्या है। आईसीयू में विभिन्न प्रकार के साधन या उपकरण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है वेंटिलेटर। एक वेंटिलेटर का उपयोग तब किया जाता है जब रोगी इतने कमजोर या बीमार होते हैं कि खुद सांस भी नहीं ले सकते हैं। जब आपके परिवार के सदस्य या मित्र वेंटिलेटर पर होते हैं तो वे आपसे बात करने में सक्षम नहीं होते। आपको अगर उनसे बात करनी ही है तो इस तरह के सरल प्रश्न पूछने चाहिए जिसका जवाब वो सिर हिलाकर हाँ या ना में दे सकते हैं। रोगी को अक्सर उन्हें आराम में रखने के लिए अत्यधिक बेहोश किया जाता है तो वे नींद में हो सकते हैं और इसलिए हमेशा आपकी बात का जवाब नहीं दे सकते। दूसरा है हार्ट मॉनिटर। एक हार्ट मॉनिटर स्क्रीन पर चलने वाली रंगीन रेखाओं के साथ एक टेलीविजन की तरह दिखता है। ये रेखाएं रोगी के दिल की गतिविधि को मापती हैं। हार्ट मॉनिटर रोगी से स्टिकी पैड चिपकने वाले पैड के द्वारा त्वचा से जुड़ा हुआ होता है। बीप और अन्य शोर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा दिए जाने वाले अलर्ट होते हैं ताकि नर्स को पता चल सके कि कुछ ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा है फीडिंग ट्यूब्स, खिलाने की नली। अगर कोई मरीज सामान्य रूप से खाने में असमर्थ होता है तो उसके नाक में पेट में बने छोटे कण के माध्यम से या एक नस में ट्यूब के माध्यम से भोजन दिया जाता है। चौथा है ड्रेंस और कैथेटर। ड्रेंस शरीर से रक्त या तरल पदार्थ के किसी भी निर्माण को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली ट्यूब होती है। कैथेटर मूत्र को निकालने के लिए मूत्राशय में डाली गई पतली ट्यूब होती है। ये मशीनें और मॉनिटर गहन देखभाल को जितना संभव हो सके उतना सुरक्षित और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे पेशेंट को आईसीयू में क्यों रखा जाता है। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है और उसे गहन उपचार और करीबी निगरानी की आवश्यकता है या यदि किसी की सर्जरी हुई है और गहन देखभाल से उनको मदद मिल सकती है तो मरीज को आईसीयू में रखने की आवश्यकता होती है। कई अलग अलग स्थितियां और परिस्थितियां हैं जिनमें किसी को आईसीयू में रखे जाने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ सामान्य कारणों में शामिल है जैसे कि कोई बड़ी सर्जरी की गई हो,
गंभीर दुर्घटना जैसे कार दुर्घटना गंभीर रूप से जलने पर इसके बाद के उपचार के लिए, किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी उदाहरण के लिए हार्ट फेल, किडनी फेल, स्ट्रोक या दिल का दौरा, इन सब के होने पर, किसी गंभीर संक्रमण के दौरान उदाहरण के लिए निमोनिया, सेप्सिस, इनके इलाज के लिए, यदि कोई बच्चा समय से पहले पैदा हो या गंभीर बीमारी के साथ पैदा होता है, बच्चों के लिए आमतौर पर नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट या NICU नामक एक विशेष ICU होता है। और दोस्तों अब जानते हैं कि पेशेंट को ICU में कैसे रखा जाता है। ICU में मरीजों पर ICU कर्मचारियों की एक टीम द्वारा बारीकी से निगरानी रखी जाती है और कई ट्यूबों, तारों और केबल्स द्वारा उपकरण से मरीजों को जोड़ा जाता है। आमतौर पर प्रत्येक एक या दो रोगियों के लिए एक नर्स होती है। ICU में रोगियों को मशीनों की एक विस्तृत श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो सबसे आम मशीनें हैं वे हार्ट मॉनिटर और कृत्रिम वेंटिलेटर हैं। कई ICU मशीनें बीप की ध्वनि करती हैं, और यदि रोगी की स्थिति में कोई बदलाव होता है तो कर्मचारियों का ध्यान रोगी की तरफ आकर्षित करने के लिए शोर करती हैं और अलार्म बजाती हैं। जो मरीज स्वयं भोजन नहीं कर पाते हैं उन मरीजों को तरल पदार्थ और पोषक तत्व या अन्य तरल पदार्थ के लिए कई ट्यूब लगाने की भी संभावना होती है। ICU में कई प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक मरीज के लिए आमतौर पर एक समर्पित विशेषज्ञ नर्स होती है जो नियमित रूप से उपकरण और किसी भी जीवन सहायता प्रणाली की जांच करती है। ICU हेल्थ केयर टीम अच्छे से समझती है जैसे कि ICU में इंसान कितना परेशान हो सकता है, और इसीलिए वे तत्काल परिवार का समर्थन करने के लिए उपलब्ध होते हैं। दोस्तों अब जानते हैं ICU में क्या सावधानियां रखी जाती हैं। ICU में प्रत्येक रोगी बहुत अधिक अस्वस्थ होता है, इसीलिए प्रत्येक अस्पताल में मरीज से मिलने वालों के लिए एक नीति होती है, जैसे कि आपको अपने मोबाइल फोन बंद कर देने चाहिए। आपको रोगी के लिए उपहार लाने से भी मना किया जा सकता है। यदि आप किसी कारण से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो रोगी से मिलने आपको नहीं दिया जाना चाहिए। रोगी से मिलने के घंटे आमतौर पर बहुत पेचीदे होते हैं, लेकिन ऐसा समय भी हो सकता है जब मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए मिलने आने से पहले आपको इसके बारे में पता कर लेना चाहिए। व्यक्ति के बिस्तर के आसपास मिलने वाले लोगों की संख्या सीमित हो सकती है। संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करने के लिए आपको ICU में प्रवेश करने और जाने के दौरान अपने हाथों को साफ करने के लिए कहा जाएगा, और आपको कुछ चीजें जैसे फूलों को लाने से रोका जा सकता है। और जिस व्यक्ति को आप मिलने जा रहे हैं वो नींद में हो सकता है और उलझन में लग सकता है, लेकिन चिंता न करें क्योंकि ICU के कर्मचारी ये सुनिश्चित करेंगे कि रोगी जितना संभव हो उतनी आरामदायक स्थिति में रहे। आप आमतौर पर व्यक्ति को छूने, आराम से बात करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये उन्हें परिचित आवाज सुनने और पहचानने में मदद कर सकता है, भले ही वे जवाब देने की स्थिति में न हो। आप उन्हें अपने दिन के बारे में बता सकते हैं या उन्हें कोई किताब या समाचार पत्र पढ़कर सुना सकते हैं। आप उन्हें अधिक आरामदायक बनाने के लिए कुछ चीजों को ला सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी ले जाना चाहते हैं तो कर्मचारियों से पहले पूछ लें। आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए ICU कर्मचारी आपकी यात्रा के दौरान पास में होंगे। केवल परिवार के सदस्यों को ही रोगी के बारे में जानकारी दी जा सकती है। दोस्तों जब रोगी की देखभाल की जाती है तो गोपनीयता हमेशा बनाए रखी जाती है। मरीजों को आमतौर पर यहाँ से एक अन्य वार्ड में तब ले जाया जाता है जब उन्हें इस तरह के निरंतर ध्यान या मदद की आवश्यकता नहीं रहती है। एक बार जब कोई व्यक्ति घर जाने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो जाता है तो आमतौर पर उन्हें घर पर देखभाल के लिए दवाओं और निर्देशों के साथ छुट्टी मिल जाती है। उन्हें अस्पताल, क्लिनिक या उनके डॉक्टर से आगे की देखभाल के लिए मिलने की आवश्यकता भी हो सकती है। और दोस्तों अब जानते हैं कि ICU में ट्रीटमेंट करवाने की कीमत क्या होती है। दोस्तों ICU में रखने की लागत मरीज के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं, ICU में बिताए गए समय और विशेष देखभाल की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। भारत में एक निजी अस्पताल में ICU में मरीज के भर्ती रहने के लिए कहीं भी 30,000 रूपए से 50,000 रूपए के बीच प्रतिदिन खर्च आ सकता है। इतनी बड़ी लागत के कारण आप घर पर ICU सेवाओं का चयन कर सकते हैं। घर पर यही लागत प्रतिदिन मात्र 7,500 रूपए से लेकर 12,500 रूपए तक आती है। और दोस्तों क्विक सपोर्ट को आशा है कि आपको ICU क्या है और उसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी और उसके बारे में पूरी तरह से समझ में भी आ गया होगा। और हमारी आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमारी भी जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। हमें आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है जिससे मैं और भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं।
और क्विक सपोर्ट की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम हमेशा अपने व्यूअर्स को हर तरफ से हेल्प करें और नई नई जानकारियां देते रहें। यदि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं और हम जरूर उन सवालों के हल निकालने के लिए कोशिश करेंगे। और ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।